इस बीच एक और बड़ी जानकारी लखनऊ से ही सामने आ रही है, उसका भी रुख करना चाहेंगे। मानव संपदा पोर्टल की सीधी निगरानी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सीएम कार्यालय अब खुद निगरानी करेगा, सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती बरती जाएगी। मानव संपदा और ई अध्याचन पोर्टल की निगरानी होगी, धीमी प्रगति वाले विभागों पर कार्रवाई भी होती हुई नजर आएगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां मानव संपदा पोर्टल की सीधी निगरानी की जाएगी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिकेत तिवारी ही जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। तो अनिकेत, मानव संपदा पोर्टल की सीधी निगरानी अब सीएम कार्यालय खुद करेगा, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर आपके पास? मनीषा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे अलग अलग विभाग है जिन विभागों में जो कार्य शैली है, उनके जो कार्य प्रणाली है, वो कहीं ना कहीं शिथिल है। और यही कारण है कि अब लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और ऐसे विभाग की निगरानी कर रहे हैं जहाँ पर कार्यों में कुशलता नहीं है या पर वहाँ पर कार्यों में धीमी गति से कार्य किया जा रहा है। साफ तौर पर मानव संपदा के माध्यम से ऐसे विभागों की और ऐसे अफसरों की निगरानी की जाएगी जो अपने कार्यों में शिथिलता बरतते हैं या लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि लगातार कहने से जनता को बेहतर कार्य करने के साथ में समय अवधि में काम पूरा करने की जो समय सीमा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय कर दी और साफ तौर पर निर्देश दे भी दिया है कि कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी या कोई भी ऐसी योजना जिसमें समय के ऊपर अगर काम किया जाता है तो उस पर संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी और संबंधित अधिकारी पर उसकी कार्रवाई होगी। साफ तौर पर कहने का यही प्रयास है कि समय सीमा से रहते हुए जो संबंधित कार्य है वो पूरे कराए जाए और साफ तौर पर कहने से तमाम सरकारी अफसर, तमाम सरकारी कर्मचारी है उनकी जो कार्य प्रणाली है वो सरकार की मंशा के अनुरूप हो, किसी प्रकार का कोई लापरवाही देखने को ना मिले। तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि निगरानी के तौर पर ठीक है अनिकेत, बिल्कुल ठीक है अनिकेत। तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।